धन बहुत ही सीधा सादा और सच्चा व्यक्ति था। जाल में फंसी हुई मछलियों को देखकर वापिस उसे पानी में छोड़ देता था। मुझे उसे रोज रोज क्या समुन्द्र में हवा खाने जाता है, रोज रोज खाली हाथ वापिस चला आता है। और सुन, कल से अगर तू खाली हाथ वापिस आया तो मरा हुआ मुंह देखेगा मेरा। नहीं नहीं नहीं, बस बहुत हो चुका। आज कैसे भी करके एक मछली पकड़ के लाऊंगा, वरना मेरी पत्नी आफत मचा कर रख देगी। नहीं नहीं नहीं, आज अगर मछली जाल में फंसेगी तो उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अपनी पत्नी की डांट सुनकर लखन गया फिर से मछली पकड़ने। धत तेरी की, अब अच्छा नहीं लग रहा है। रोज कितने बड़े बड़े मछलियाँ फंसते हैं, उन लोगों का तकलीफ देखकर पानी में छोड़ देता हूँ। और आज मैं सोच रहा हूँ एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब अपने पत्नी के लिए लेके जाऊंगा, तो एक भी जाल में नहीं फंस रहा है। अब मैं क्या करूँ। ऐसे ही बहुत समय बीत गया और तभी, अरे ये क्या हो रहा है, लग रहा है मेरे नाव को डुबा देगा ये। लगता है बड़ा मछली फंसा होगा। अरे ये तो मछली नहीं, कछुआ है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं बोलता हूँ मुझे छोड़ दो, मैं कछुओं का राजा हूँ। सुनो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाना, ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। हम लोगों का गरीबी दूर करना होगा तुम्हें, हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोगों के घर में चावल दाल कुछ भी नहीं है। कछुओं का राजा तुम ही कुछ करो। ओ, ये बात है, जाओ तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। घर पे जाके देखना, तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। लखन की सारी गरीबी दूर हो गई, वो सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो उस कछुए राजा को जाके कहो मुझे अब इस छोटे से घर में अच्छा नहीं लगता, मुझे एक राजमहल चाहिए और साथ में दास दासियां भी। मैं एक राजमहल की रानी बन के रहना चाहती हूँ। तुम्हारी लालच दिन पर दिन और बढ़ती जा रही है। नहीं जाऊंगा तो भी आफत, जाता हूँ, जाकर बोलता हूँ। कछुआ राजा, कछुआ राजा, ओ कछुआ राजा, क्यों बुला रहे हो? मेरी पत्नी ने भेजा, उसे एक राज महल चाहिए, साथ में दास दासियां भी। ओहो, ये बात है, ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हें राज महल दास दासी सब मिलेगा, जाओ। लखन की पत्नी राजी रानी बनकर रहने लगी अपने दास दासियों के साथ। लेकिन इंसानों की मांग कभी खत्म नहीं होते है। कुछ दिन बाद, तुम जाके कछुए राजा से कहो सूरज की ताप, रोशनी, बारिश, हवा सब मेरे सारे पे चले। हाँ, हाँ। कछुआ राजा, कछुआ राजा, ओ कछुआ राजा, क्यों बुला रहे हो? मेरी पत्नी चाहती है पृथ्वी का धूप, छाया, बरसात, हवा सब कुछ उसके इशारे पे चले, सबको अपना दास दासी बनाना चाहती है। इतना लालच, दुनिया को अपने बस में करना चाहते हैं, और कहीं के तुम लोग पहले जैसा थे फिर वैसा ही बन जाओगे, जाओ। हाँ? जी, ये क्या हुआ जी?
हम लोगों का राजमहल कहाँ चला गया? दास दासी भी चले गए, हम लोग फिर से गरीब हो गए, फिर से टूटा हुआ घर। बोलिए महाराज, लखन पहले हंसा फिर क्यों रोया? बेतल, पहले वो हंसा इसीलिए क्योंकि लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है और उसकी पत्नी को वही सजा मिली, और रोया इसीलिए क्योंकि फिर से वो गरीब हो गया, उसे अपने गरीबी से लड़के जीना पड़ेगा। हाँ,